मॉर्निंग, मैं कृष्ण कुमार आज आप सभी को सरफेस गेज के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए परिचय के रूप में जानेंगे कि सरफेस गेज क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रकार का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो शुरुआत करते हैं। सरफेस गेज क्या है? सरफेस गेज एक मार्किंग टूल्स है जिसके द्वारा जॉब की सतह पर समानांतर रेखाएं खींची जाती है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग लेथ मशीन पर जॉब को सेंटर में लाने के लिए किया जाता है। सरफेस गेज में दो सिरों वाला स्क्राइबर लगा रहता है जिसका एक सिरा सीधा एवं नुकीला होता है और दूसरा सिरा 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा रहता है। सरफेस गेज को अन्य दो नाम से भी जाना जाता है, नंबर फर्स्ट मार्किंग ब्लॉक और दूसरा स्क्राइबिंग ब्लॉक। ठीक है, अब जानते हैं टाइप्स ऑफ सरफेस गेज। सरफेस गेज कितने प्रकार के होते हैं? सरफेस गेज दो प्रकार के होते हैं, पहला फिक्स्ड सरफेस गेज और दूसरा यूनिवर्सल सरफेस गेज। वन बाय वन बारी बारी से दोनों का डिटेल्स करते हैं। नंबर फर्स्ट फिक्स्ड सरफेस गेज। इस सरफेस गेज में एक चौरस या गोलाकार आकार का एक बेस होता है जिसके साथ में एक पिलर या स्पिंडल अस्थायी रूप से जुड़ा होता है। पिलर में एक स्लाइडिंग स्नग लगा होता है जिसकी सहायता से स्क्राइबर को फिट किया जाता है। स्लाइडिंग स्नग की सहायता से स्क्राइबर को आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे करके व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, नंबर टू यूनिवर्सल सरफेस गेज। इस सरफेस गेज में भी एक बेस होता है जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता है बल्कि एक रोकर आर्म से जुड़ा रहता है। इस प्रकार के सरफेस गेज को आसानी से एडजस्ट किया जाता है और फाइन एडजस्टिंग स्क्रू की सहायता से 0.5 या 1 mm तक